भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के विशेष न्यायाधीश फूलचंद झांझरिया ने बहुचर्चित न्यायिक लिपिक भर्ती प्रकरण के मुख्य आरोपी तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा की न्यायिक हिरासत अवधि 16 जुलाई तक बढ़ा दी है। जयपुर के केंद्रीय कारागार में बंद तत्कालीन न्यायाधीश और प्रकरण के मुख्य आरोपी अजय शारदा को बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय वर्मा ने बताया कि इस प्रकरण में मुख्य आरोपी सहित न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे अन्य आरोपियों को भी अदालत में पेश किया गया, जिनमें हेमाराम कानावत, राजेश शर्मा भी शामिल हैं। इसके अलावा जमानत पर रिहा हुए सभी अभियुक्त भी अदालत में मौजूद रहे। न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को इस प्रकरण के अन्य आरोपियों को आगामी 16 जुलाई को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि इस प्रकरण में एक आरोपी अधिवक्ता भगवान सिंह फरार चल रहा है। अदालत के आदेश पर उसकी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश पहले ही उसके आवास पर चस्पा कर दिए गए हैं। अदालत की पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में बंद सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच वापस कारागार लाया गया। न्यायालय में सुनवाई थी भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में, और इस प्रकरण में आज सभी मुल्जिमान हाजिर रहे हैं जो न्यायिक अभिरक्षा में थे, उनमें अजय शारदा, हेमराज कानावत और राजेश शर्मा, अमर ज्ञानवानी उपस्थित हुए थे। बाकी सब लोग जमानत पर थे, जिनमें राधेश्याम और रामेश्वर, मनोज, सुरेश तथा कमल, प्रदीप, गणेश और दो अन्य लोग उपस्थित हुए थे। और इसमें इंतजार चालन में 16 जुलाई दिए, क्योंकि इसमें 3-4 मुलजिम अभी शेष हैं, उनके अन्वेषण और उनके पेश होने के लिए 16 जुलाई की तारीख नियुक्ति की, ताकि उसके पश्चात चार्जशीट फाइल की जा सके इसके सप्लीमेंट। अदालत लिपिक भर्ती परीक्षा के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूनम दरगढ़ को ईमेल और फोन से रिश्वत की पेशकश करने वाले आरोपी को फर्जी दस्तावेजों से सिम देने वाले आरोपी डिस्ट्रीब्यूटर मेड़ता निवासी सुरेश गहलोत और रिटेलर बाबूलाल को गिरफ्तार करने के बाद आज अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। सिविल लाइन थाने के एएसआई धर्मपाल ने जानकारी देते हुए बताया, साहब की मेल पर कोई रिश्वत पेश करने की मेल आई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया, जिस पर तफ्तीश की गई थी, जिस पर आरोपी वो मेल आईडी चेक की गई, जिसमें हेमंत राम का एक लड़का था, जिसको हमने नागौर में गठिया गांव में वहाँ से बरामद किया था, उसको जिसने फर्जी आईडी मेल से सिम ले रखी थी, और उसी ने डीजे साहब की मेल पर मेल की गई थी, जो रिश्वत की पेश की गई थी। फिर जो फर्जी आईडी, इसका रिमांड लिया गया हेमंत का, तो जिस पर इसने बताया कि मैंने वो फर्जी सिम नागौर में मेड़ता सिटी से ली थी, और उनके डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पते बताए, जिस पर 27 की तरफ उसको साथ लेके गए और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को दोनों को गिरफ्तार कर लाए।